कैलेबनी के चाका गांव में लेट आरपी इंटरमीडिएट कॉलेज के पास खंबे का तार नीचे से गया हुआ है, जिससे काफी लोगों को जान का खतरा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर स्कूल है, स्कूलों से हजारों बच्चों को जान का खतरा है। पूरे मोहल्ला इससे परेशान है। इसकी शिकायत मोहल्ले वालों ने कई बार लाइटमैन से की, तो लाइटमैन ने कहा कि नया खंबा लगेगा हो जाएगा, लेकिन कई महीनों से तलकाया जा रहा है और इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। बताइए, बारिश चक्कर पे है या खंबे में करंट उतर जाता है, इधर पास उतार है ये। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? जो तार नीचे है वो लाइनमैन से की है, प्रधान से की। तो लाइनमैन क्या किया यहाँ? वो लाइनमैन बोल रहा है वो खंबा वहाँ एक नया लगेगा, वो खंबा टेढ़ा हो गया, ट्रक में ठोकर मारा था ना, वो खंबा टेढ़ा हो गया है, वो खंबा सीधा हो गया, बीच में खंबा लगेगा तब ये जाके टाइट होगा, वो बोल रहा था। प्रधान से ही बताया गया? प्रधान से बताया गया है। यहाँ के प्रधान कौन है? सीधा कहा मतोली। मतोली प्रयागराज नैनी के लेट आरपी इंटरमीडियम कॉलेज के पास, जो कि खंबा के द्वारा तार आया हुआ है, जिसको ये दिखा दे कि ये तार की वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे स्कूल है, इस स्कूलों में हजारों बच्चे आते जाते रहते हैं, ये कब कहाँ क्या हो जाए इसकी जानकारी यहाँ के प्रिंसिपल लाइट मैन को भी दी है, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। समस्याएँ हो रही है जिसकी वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के प्रिंसिपल जी से मैं दो शब्द पूछना चाहूँगा, यहाँ पे समस्या क्या है? ये तार जो है विद्यालय में गाड़ियों को आने जाने में बड़ा असुविधा करता है। प्राय यहाँ कम्पिटेटिव एग्जाम में बोर्ड परीक्षाएं होती रहती हैं, तो वाहन आते हैं पेपर वगैरह लेकर, उसमें भी असुविधा होती है। और बच्चे जो है, बच्चों के भी आवागमन में कभी कभी आंधी तूफान में बहुत नज़दीक हो जाता है, जिसके कारण आए दिन ये खतरा बना हुआ है।